वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज मी तशफा एंड दिस इज अर्सला। एंड आज हम करेंगे भूतों से बात, या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर अपनी नोटबुक में सारे कॉन्टेक्ट नंबर लिख लिए हैं दोस्त के। तो फर्स्ट हमारा नंबर है 2107404260। एंड ये नंबर कहा जाता है कि जब हम इस नंबर पे कॉल करेंगे तो इसके बाद हमको तीन बार कॉल बैक आएगी। फर्स्ट कॉल में हमको किसी की चिल्लाने की आवाज़ आएंगी, सेकंड कॉल में हमें किसी की गाने की आवाज़ आएगी, एंड थर्ड कॉल में हमें किसी का मैसेज, मतलब कोई हमको मैसेज देना चाह रहा है, हमको ऐसा फील होगा। सो लेट्स डायल 1207404260। हमने अपना नंबर डायल कर लिया, हम उसको कॉल कराते हैं। द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। इनवैलिड बताया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। एंड ये जो नंबर है इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब लड़की आपको मदद के लिए बुलाएगी वो बोलेगी मेरी मदद करो सूजी डूब रही है। सो एंड ये नंबर है 2020 I'm so scared। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। The number you have dialed is invalid। Okay। 1 0 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
आएगी, मतलब किसी आदमी की हमें कोई आवाज़ आएगी जो हमें ऑर्डर देगा कि इस नंबर के बारे में कुछ 15 लोगों को बताओ। और इसमें ये भी कहा गया अगर हम 15 लोगों को इस नंबर के बारे में नहीं बताते हैं तो एक हफ्ते में ही हमारी डेथ हो जाएगी। एंड ये नंबर से जो बात करता है वो एक कोई ऐसा इंसान है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब है ही नहीं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन लगाने से पहले जीरो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और एक हफ्ते बाद ये चैनल चेक करने के लिए जरूर आइए कि मैं हूँ जिंदा या मर चुकी हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड। कोई नहीं, दूसरे नंबर भी है हमारे पास 90044444 4 times 4 हो गया 44। ये इतने कंफ्यूजिंग नंबर्स हैं ना, काफ़ी बार इसमें एक ही नंबर एक ही डिजिट काफ़ी बार इसमें ऐड हुआ है। इसकी स्टोरी मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसकी हमें क्रीपी साउंड सुनाई देंगे एंड इसके बाद हमारी एक हफ्ते में डेथ हो जाएगी। इसमें भी The person you are trying to reach is unable to take your call at the moment. Please try later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वे इस समय आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ओके, हम एक दिन नंबर ऑर्डर करने के बाद फिर से उस पे कॉल करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 12071042604। इस नंबर में जब यह हमारे पिक हो जाएगा तो इसके बाद हमको बताया गया है कि जो हमें भूत दिखने लगे। ओके, डायल 12071042604। ये नंबर बोला गया है, इसको मिलाने के बाद हमको भूत जो है वो दिखेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि हर जगह कहीं पे भी हमें ऐसा लगेगा कि भूत खड़ा या एग्जिस्ट होने लगेगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर
बदले द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड हम नेक्स्ट करते हैं 8018200263 एंड इसमें ये बोला गया है कि इसमें से हमें कुछ जब हम इसको करेंगे हम इस पे कॉल करेंगे तो इसमें कोई बोलेगा जो हमें बताएगा कि हम कहाँ से बोल रहे हैं हम इस टाइम कहाँ बैठे हैं और हमारा नेम क्या है सो मतलब सोचो वो हमारा नेम भी बताएगा हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं ये बता देगा उस टाइम पे करो मुझे भी जानना है कौन बता रहा है ये कॉल कर दी ये काफी ज्यादा एक और बार करके देखो इनकमिंग कॉल इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस नंबर इट विल बी रिज्यूम्ड पोस्ट रिचार्ज एनी नंबर इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं रिचार्ज करने के लिए आई एम नॉट कॉलिंग नहीं है भाई अब आपने रिचार्ज नहीं कराया हम फोन कर रहे हैं तो आपको रिचार्ज कर रिचार्ज करवाना चाहिए कोई बात नहीं नहीं है नहीं हो पाता है कभी रिचार्ज नेक्स्ट टाइम जब हम आपको करें तो आपका रिचार्ज होना चाहिए 090 नंबर है पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं इसमें है फोर डिजिट इसमें काफी पारे तो फोर मैं आपको बता दूं ये जापान का नंबर है एंड जापान में काफी सारे लोगों को पता होगा फोर नंबर अनलकी माना जाता है मतलब फोर का मतलब होता है शी मींस डेथ सो इस पे भी जो भी कॉल करता है जो भी इंसान सो उस नंबर पे कॉल करने के बाद उसकी एक हफ्ते बाद डेथ हो जाती है इसका मतलब यही है एंड सो 090 4x8 सो गाइस मैंने डायल कर लिया और सम कॉल लगाए थे हेलो कॉलिंग जा रही है हाँ मैं कॉलिंग जा रही हूँ The person you are trying to reach is unable to take your call at the moment. Please try later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वे इस समय आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. कृपया कुछ समय पश्चात. One more time करते हैं क्योंकि हमें बात करनी है. The person you are trying to reach is unable to take your call at the moment. Please try later. मतलब ये कहना चाह रही है कि जो जिसको भी हम कॉल कर रहे हैं वो हमारा कॉल नहीं उठा पा रहा है इसका मतलब कोई भूत भाई है जो हमारा कॉल इस टाइम पे पिक नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं जो आप काम कर रहे हैं हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे पर एक बार आप ट्राई करूँगी मैं The person you are trying to reach is unable to take your call at the moment. Please try later. आप जिस व्यक्ति ज़्यादातर हमारे numbers कोई बंद गया है कोई हमारे अवेलेबल नहीं है कोई उठा नहीं रहा है but don't worry और एक number हमारा रह गया था जो जिसपे हमने बोला था कि हम उसको call करेंगे so वो है 904 wait 4 4 4 4 4 4 4 कॉल अभी भी कॉलिंग जा रही है पिछली बार भी यही हुआ था मतलब जब हमने अभी इससे पहले लगाई थी तब भी कॉलिंग करके आवाज नहीं आई थी और अब इसका क्या था हेलो हेलो
हेलो हेलो उठा नहीं रहे थे। तो गैस इस नंबर पर हमें क्रीपी साउंड सुनाई देने वाले थे और उसके एक हफ्ते बाद हमारी डेथ हो जाएगी। ये इसमें ऐसा दे रखा है बट देखते हैं क्या होता है। अभी तो किसी आई एम डेड एक हफ्ते से पहले अभी किसी हम भूत ने उठाए नहीं है। अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। बट उठा लेते तो हाल तो गुस्से थे ठीक है नहीं है। बट सब्सक्राइब कर लिए आप जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि और इंटरेस्टेड वीडियो आपके पास सबसे पहले जाए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सी यू लेटर। हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।